बच्चों, अभी हम हिंदी व्याकरण की किताब में कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? पाठ 15। पाठ 15 हमारा क्या है? रचनात्मक गतिविधियाँ। कौन सा पेज नंबर है? 51 पेज नंबर है। ओके, तो इससे क्या है, हम शब्द बनाना सीखेंगे। इसमें क्या है, रचनात्मक गतिविधियों में क्या है, क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो इस क्रिएटिव एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, शब्द बनाना सीखेंगे। देखते हैं कैसे सीखेंगे शब्द बनाना। ये देखिए, यहाँ पे आपका दिया है हामयाग, मतलब हार हार, और यहाँ पे क्या दिया है, साथी, सामयाग साथ, हामे बड़ी की मतलब थी, साथी। अब इसमें से हमने हा लिए और इसमें लास्ट शब्द लिए थी, क्या बन गया, हाथी। अब ऐसे ही यहाँ पे दिया है बादल, यहाँ दिया है मेघ। अब बादल का बा लिखेंगे और मेघ का घ, क्या बन गया हमारा नया शब्द, बाघ। अब आगे देखते हैं, शब्द बनाकर लिखिए। देखिए आपका क्या दिया हुआ है, शब्द बनाकर लिखिए में बाघ दिया है और यहाँ राख दिया है, वैसे ही जैसे कि अभी मैंने ऊपर आपको समझाया है। अब यहाँ पे देखेंगे बाघ लिखा है और राख लिखा है ना। अब यहाँ पे आपको कैसे बनाना है, कैसे बनाएंगे शब्द, देखिए यहाँ लास्ट का घ लिखे हैं और यहाँ पे क्या लिए हैं, र, तो क्या बन गया, घ और र। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ आ की मात्रा लगी है उसको लेंगे, तो घ और र। आप शब्द लेके, कोई सा भी एक शब्द लेके यहाँ पे नया शब्द बना सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ खूब खूब दिया है और यहाँ पे कच्चा, क धंच चमयाक कच्चा कच्चा। अब इसमें से आप ब ले सकते हैं और यहाँ पे अधच्चा अच्छा, तो क्या हो जाएगा, बच्चा। अब यहाँ पे देखिए काम दिया है, हार दिया है, यहाँ से का लिए और इसमें का र लिए, क्या बन गया, कार। मोल शोर, अब यहाँ से हमने मामयुक्त मो लिए और यहाँ से र लिए लास्ट वाला अक्षर, तो क्या बन गया, मोर। ऐसे ही आपको बहुत सारे शब्द अपने मन से बना बना कर लिखना और सीखना है, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, आपकी बुक में दिया हुआ है दिए गए शब्दों को उल्टा लिखकर पढ़िए। यहाँ पे कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं बेटा, इसको आपको क्या करना है, उल्टा पढ़ना है। जैसे कि दया, दया लिखा है, अभी हम उसको उल्टा कैसे पढ़ेंगे, या और द, तो क्या हो गया, याद, और उसको लिखना भी है यहाँ पे याद। ऐसे ही ब स बस, बस का उल्टा क्या हुआ, स और ब सब। राही, राही का उल्टा क्या हुआ, ही रा हीरा। राखी का खीरा, चना का नाच, राह का हरा, खरा का राख, लाभ का भला, गज का जग। ऐसे ही शब्दों को उल्टा पुल्टा करके आप लिखना और पढ़ना सीखेंगे। ओके,